अंजू महेंद्रू, जिन्होंने अपनी पहचान लीडिंग एक्ट्रेस के रूप में न सही, लेकिन अपने पूरे जीवन में उन्होंने बॉलीवुड की कई फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। अंजू महेंद्रू का जन्म 11 जनवरी 1946 को मुंबई में हुआ था। उन्होंने 13 साल की उम्र में ही मॉडलिंग शुरू कर दी थी। कई फिल्मों और टीवी सीरियल में अपनी अदाकारी का जलवा दिखा चुकी अंजू असफल प्रेम और असफल शादी के बाद अकेले ही जिंदगी जी रही हैं। अंजू ने अपने करियर की शुरुआत 1966 में बसु भट्टाचार्य की फिल्म उसकी कहानी से की। उसके बाद इन्होंने कई फिल्मों में भूमिकाएं निभाई, लेकिन एक अभिनेत्री के रूप में अपनी पहचान न बना पाई और मात्र सहायक अभिनेत्री काम करने लगी। इनकी प्रमुख फिल्में हैं ज्वेल थीफ, मुक्ति, गंगा की सौगंध और दरवाजा, वकील बाबू, स्याही, खतरनाक इरादे, अभिषेक, खून बहा गंगा में, हम तो चले परदेस, मुस्कुराहट, दिल की बाजी, रात के गुनाह, जीना नहीं बिन तेरे, कातिल चंडालिनी, वाह तेरा क्या कहना, साथिया, सत्ता, पेश थ्री, हमको दीवाना कर गए, आई हेट लव स्टोरीज, द डर्टी पिक्चर, न जाने कब से, मम्मी। अगर इनकी पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो ये बहुत दुखद होगी। हिंदी फिल्मों के पहले सुपरस्टार रहे राजेश खन्ना का पहला प्यार थी अंजू, लेकिन इस रिश्ते का दुखद अंत हुआ। 60 के दशक के अंत में अंजू और राजेश खन्ना की लव स्टोरी के चर्चे थे। ये रिश्ता कई साल चला, लेकिन राजेश के स्वभाव के कारण ही ब्रेकअप हो गया। कहा जाता है कि उन्हें अंजू का काम करना पसंद नहीं था, लेकिन वो अपना करियर बनाना चाहती थी। इसी को लेकर दोनों में अनबन होती थी। ब्रेकअप के बाद राजेश ने अपने से 16 साल छोटी एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया से शादी कर ली। वेस्टइंडीज के बैट्समैन सर गैरी सॉबर्स का दिल भी अंजू महेंद्रू पर आया था। दोनों रिश्ते को लेकर गंभीर थे। बात सगाई तक पहुंच गई थी, लेकिन किस्मत ने उन्हें अलग कर दिया। गैरी सॉबर्स ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में इस प्यार के बारे में बताते हुए लिखा था, अंजू के माता पिता हमारी शादी के खिलाफ थे। हालांकि दो असफल प्रेम के बाद अंजू ने बिजनेसमैन से शादी भी की थी, लेकिन ये रिश्ता भी ज्यादा नहीं चला और वो उनसे अलग हो गई। इनको आखिरी बार टीवी सीरियल ये है मोहब्बतें में देखा गया था। बॉलीवुड के सुपरस्टार राजेश खन्ना से प्यार में धोखा खाने के बाद अंजू की मुलाकात गैरी सॉबर्स से हुई थी। इसके बाद काफी टाइम तक दोनों साथ में रहे, लेकिन दोनों का रिलेशनशिप शादी में नहीं बदल पाया। दोनों की शादी न होने की कई वजहें मानी जाती हैं। अंजू के परिवार को गैरी का काला रंग पसंद नहीं था और एक अन्य वजह थी डिस्टेंस रिलेशनशिप। इसीलिए दोनों ने अलग होने का फैसला किया। हालांकि दोनों अभी भी एक दूसरे के दोस्त हैं। न्यूज़पेपर को दिए इंटरव्यू में अंजू महेंद्रू ने बताया था कि इन दोनों की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के पार्टी में डांस के दौरान हुई थी। यहीं से दोनों की लव स्टोरी शुरू हुई। अंजू के मुताबिक सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, कोलकाता में पुराने बंगले में पार्टी में डांस के दौरान अचानक गैरी सॉबर्स ने उन्हें प्रपोज किया था। प्रपोज करते हुए गैरी ने अंजू को अंगूठी पहनाई थी। बकौल अंजू वो गैरी को अंगूठी वापस लौटाना चाहती थी, लेकिन अगली सुबह ही गैरी लंदन चले गए थे। खेल के मैदान में भी दोनों के प्यार ने लोगों को खूब लुभाया। अंजू महेंद्रू के अनुसार गैरी सॉबर्स उनको और उनकी फैमिली को हर मैच में इनवाइट करते थे। टीम के उप कप्तान होने के बावजूद भी वो मैच के बीच में ही अंजू महेंद्रू से मिलने फील्ड से बाहर आ जाते थे। गैरी की ये चीज अंजू को बहुत पसंद थी। दोनों का प्यार सगाई तक तो पहुंचा, लेकिन शादी में तब्दील नहीं हो पाया। अंजू वापस काका यानी राजेश खन्ना की लाइफ में नहीं गई। उनके घर से ही गैरी को कॉल करके उन्होंने अपनी सगाई तोड़ी थी। अंजू के मुताबिक इंग्लैंड में गैरी की मुलाकात एक महिला से हुई थी जिससे वो शादी करना चाहते थे। इंग्लैंड में एक कानून है कि अगर एक महिला से आपके रिश्ते हैं तो आप किसी अन्य महिला से शादी नहीं कर सकते। गैरी को उस महिला से शादी करने के लिए अंजू की तरफ से सगाई तोड़ने का एक लेटर चाहिए था,
अंजू ने गैरी को सगाई तोड़ने का लेटर भेज दिया, जिसके बाद दोनों अलग हो गए थे। अंजू महेंद्रू से अलग होने के 17 साल बाद तक राजेश खन्ना ने उनसे बात नहीं की थी। हालांकि काका की जिंदगी के आखिरी साल में अंजू महेंद्रू वापस उनके करीब हो गई थी और उनके अंतिम सांस लेने के समय भी वो उनके साथ थी। ऐसी भी खबरें थी कि राजेश खन्ना के अंतिम संस्कार का इंतजाम अंजू महेंद्रू और डिंपल कपारिया ने मिलकर किया था। 80 के दशक में अंजू महेंद्रू का नाम अभिनेता इम्तियाज के साथ जुड़ा। कहा जाता है कि अंजू महेंद्रू ने इम्तियाज से शादी कर ली थी। इम्तियाज ने बाद में अभिनेत्री कृतिका देसाई से शादी कर ली थी। बाद में ये दोनों अलग हो गए थे। अब अकेली रह रही हैं अंजू महेंद्रू।